आज भी कुछ अहम मुद्दे थे जिस पर हम चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो यही करना चाह रहे हैं कि अगर हम इस वक्त यूके की कोशिशों के बारे में बात करें लार्ज स्केल पर कोरोना से निपटने के लिए, इस लड़ाई में यूके अपनी तरफ से क्या क्या कोशिशें कर रहा है रिसर्च वगैरह को भी लेकर। देखिए, दो इसके मेथड होते हैं कंट्रोल करने के। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, जो बेसिक अवेयरनेस है, मास्क वेयरिंग, अपने हाथ धोना, हाथ वॉश करना, स्टेराइल हैंड वॉश यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये तो गवर्नमेंट काफी इंप्लीमेंट कर चुकी है, लोग कुछ हद तक फॉलो भी कर रहे हैं इस चीज को। लिमिटेड लॉकडाउन जो है वो हो रहा है कुछ सिटीज में, और ऑब्वियसली रूल ऑफ सिक्स आया है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट में, जिसमें 6 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते एक ही ग्रुप के। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लोगों को बोलती है कि अपने आप करने के लिए। जहां तक रिसर्च की बात चल रही है, यहाँ पे 3 ट्रायल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। नंबर 1, तो आपको पता है वैक्सीन ट्रायल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो अभी चल रहा है एस्ट्राजेनेका के साथ। वो जो वैक्सीन है उसमें थोड़ी सी अड़चन आई थी बीच में, जिसमें एक वॉलंटियर को कुछ सिम्टम्स हुए थे बीमारी के, लेकिन वो अब फिर से शुरू हो चुकी है नॉट ओनली यूके में, बट जो उनके पार्टनरशिप है इंडिया के साथ वहां पे भी ये वैक्सीन ट्रायल फिर से शुरू हो चुकी है। नंबर 2 है नेजल वैक्सीन, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन के थ्रू बनाई जा रही है। दिस विल बी अ नेजल स्प्रे, इसमें नेजल स्प्रे यूज करा जाएगा ताकि जो रिसेप्टर्स हैं जहां पे वायरस अटैच करता है नाक में, उनको ब्लॉक करा जाए। तो ये एक वैक्सीन है जो बहुत वाइडली अवेलेबल हो सकती है, बहुत इजी टू यूज। और जो थर्ड है वो आपने मेंशन करा था प्रोग्राम में पहले, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीबॉडीज हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं, वो वायरस पे अटैच करेंगी और उस वायरस को सेल की एंट्री लेने से रोकेंगी। तो ये जो एक टेक्निक है, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो दुनिया में और कहीं पे अभी ट्रायल नहीं हुई है, और उसके ट्रायल्स अभी 2000 वॉलंटियर्स को लेके शुरू हुए हैं यूके में। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिकवरी ट्रायल और ऑक्सफोर्ड के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं। चलिए, अच्छा लगता है सुनकर कि काफी सारी रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है यूके की तरफ से, लेकिन यूके अपनी तरफ से ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों के लिए वैक्सीन चाहे जहां भी बन रही हो वो सबसे पहले उसको मिल जाए। उसके लिए क्या क्या करार कर रहा है यूके? सो यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 250 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन की जो डील्स हैं वो बनाई हैं कुछ कंपनीज के साथ। उसमें से मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, 30 मिलियन डोजेज जो हैं वो फाइजर, एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 60 मिलियन डोजेज जीएसके, जो ब्रिटिश बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 100 मिलियन डोजेज एस्ट्राजेनेका, जो ट्रायल के साथ बन रही है वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, उसकी 100 मिलियन डोजेज की डील हुई है यूके और एस्ट्राजेनेका के बीच में। एक बेल्जियन कंपनी है जैनसन और एक यूएस कंपनी है नोवावैक्स, जिसके साथ 90 मिलियन डोजेस की डील हुई है यूके के साथ। सो 250 मिलियन डोजेस जो हैं वो यूके की गवर्नमेंट और यूके के लोगों को मिलेंगे जब ये वैक्सीन तैयार होंगी, एंड होपफुली 2021 के अक्टूबर तक हमें ये नोटिस मिल रहा है कि शायद वैक्सीन विल बी आउट इन द मार्केट। चलिए, बहुत खूब, यूके ने अपने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए लंदन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक